नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AlexanderBalvis। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करें और बताएं हमें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ टॉप 10 मूवीज़ हैं, मेरे को बहुत ही अच्छी लगी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली मूवी मेरे को बहुत ही अच्छी लगी उसका नाम है बाहुबली। आई होप आप लोगों को भी बहुत ही अच्छी लगी होगी ये मूवी, क्योंकि ये मूवी बहुत ही पॉपुलर हुई, हिट हुई है ऑल ओवर। उसने बॉलीवुड के कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और ये बहुत ही अच्छी मूवी है। में प्रभास नाम का कोई एक्टर है, उसने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है बाहुबली के रूप में। तो आप अगर ये मूवी देख चुके हैं तो बताएं आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करें ज़रूर। जो अगली मूवी मेरे को बहुत ही अच्छी लगी थी वो थी मूवी अक्षय कुमार की सिंग इज ब्लेम। दोस्तों, ये मूवी जो है वो आई थी 2015 में और मैंने इसको सिनेमा हॉल में देखा था जा करके, और उसी दिन मेरा बर्थडे भी था। तो ये बहुत ही अच्छी मूवी लगी थी, इसमें एमी जैक्सन थी और अक्षय कुमार था और इन्होंने बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त एक्टिंग की थी उसके अंदर। और यदि आपने ये मूवी देखी है तो आप हमें ज़रूर बताएं और आपको कैसी लगी ये मूवी, ये भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। दोस्तों, आइए अगली मूवी के बारे में जानते हैं जिसका नाम है फाइव चैप्टर। दोस्तों, ये मूवी एक हॉलीवुड की मूवी है और इसमें कोई फॉरेन की एक्ट्रेस है, उन्होंने एक्टिंग की है। ये बहुत ही अच्छी मूवी लगी मेरे को। इसमें इनका एक कोई मिशन होता है कि इन्हें कहीं पे पहुंचना होता है हाइव के अंदर और वहां जाके इन्हें एक एंटीवायरस को फैलाना होता है जो कि एक वायरस को डिस्ट्रॉय करता है और पूरी वर्ल्ड को, जो बुराई वाली चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है ये एंटीवायरस। तो यही इस मूवी का होता है कि क्या कहते हैं, जो वायरस होता है उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। तो भैया चलिए आगे देखते हैं। अगली मूवी है उसका नाम है निक्का जायदाद। दोस्तों, ये पंजाबी मूवी है और इसमें एमी विर्क नाम के जो सिंगर है और एक्टर भी अब बन चुके हैं, इन्होंने एक्टिंग की है। ये बहुत अच्छी मूवी थी, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए मेरे ख्याल से यदि आपको पंजाबी आती है तो, क्योंकि मेरे को पंजाबी समझनी भी आती है और बोलनी भी आती है। सो मुझे को ये बहुत ही अच्छी लगी थी मूवी। आइए अगली मूवी के बारे में जानते हैं जिसका नाम है आयरन मैन। दोस्तों, ये मूवी मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, एक मशीन टाइप का वो बंदा है ना आयरन मैन, उसका एक्टर जो है बहुत ही अच्छा है, उसने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है स्टोरी के अंदर। तो ये मूवी मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। अगली मूवी है उसका नाम है एवेंजर्स। दोस्तों, इसमें हमारे सारे जो सुपर हीरोज हैं जैसे कि हल्क, आयरन मैन और बहुत सारे अदर जैसे लोकी जो कि मतलब विलेन होता है मूवी का, वो भी है मूवी के अंदर। तो एवेंजर्स में सारे सुपर हीरोज लगभग कवर हो जाते हैं, कैप्टन अमेरिका भी है इस मूवी के अंदर। दोस्तों, चलते हैं अगली मूवी की तरफ, उसका नाम है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। दोस्तों, ये मूवी भी मेरे बहुत ही अच्छी लगी। इस मूवी में हमें दिखाया गया था कि क्या कहते हैं, कैप्टन अमेरिका की वॉर होती है सिविल वॉर बैटमैन से। ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। अगली मूवी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है टर्मिनेटर द जेनेसिस। दोस्तों, ये मूवी मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। इसमें आर्नोल्ड स्वेगर नाम के जो एक्टर थे वो थे, ये बहुत ही अच्छी मूवी थी। इसमें लास्ट में आर्नोल्ड स्वेगर और उनकी बेटी बच जाती है और जो विलन होता है जेनेसिस वो मर जाता है। तो बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ जिसका नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस। दोस्तों, इसके मैंने सारे पार्ट्स देख रखे हैं, ये बहुत ही अच्छी मूवी है। आई होप आप लोगों ने भी देख रखी होगी। और इसमें जो
जो टॉप एक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और इसमें बहुत ही महंगी महंगी मतलब जो मतलब लग्जरी कार्स होती हैं उनको भी यूज़ किया गया है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ जिसका नाम है मुन्ना भाई MBBS। दोस्तों ये मूवी 2004 में आई थी, इसमें संजय दत्त है और उन्होंने एक गुंडे का रोल एक्ट किया है, प्ले किया है इस मूवी के अंदर, और उनके साथ अरशद वारसी भी थे और जो कि मतलब उन्होंने एक उनके चमचे का रोल अदा किया था, जैसे कि संजय दत्त के चमचे का रोल प्ले किया था उन्होंने। दोस्तों ये थी टॉप 10 मूवीज जो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। तब तक के लिए जय हिंद।